Hi guys, welcome to another episode of Four Blogs. This is me, your host Nitin. तो guys, आज एक बहुत ही special video लेके आया हूँ मैं फिर से एक बार आप सब के लिए. तो आप सब लोगों को पता है कि हमने इससे पहले भी ARK कंपनी के कुछ डिस्प्ले प्रोटेक्टर्स यूज़ किए थे. पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मैं कभी भी कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ, तो ये भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको डेफिनेटली रिकमेंडेशन मिलना चाहिए, और अगर है तो बिल्कुल होना चाहिए. तो गाइज़, आज फिर से हमारे कुछ फीडबैक्स थे ARK डिस्प्ले प्रोटेक्टर्स. जैसा कि आपको पता है, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने हमको प्रोडक्ट दिखाया, मैंने यूज़ करा प्रोडक्ट 2-3 महीने, अच्छा लगा तो मैंने आप लोग को बताया. सिमिलरली हमारे कुछ फीडबैक्स थे जो कि उनको मैंने भेजे, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और उसके बाद उन्होंने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में. तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए, तो आज हम इसी प्रोडक्ट को चेक करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट काम का है. बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो गाइज़, ये देख सकते हैं आप कि मैंने अभी अपना जो ये डिस्प्ले प्रोटेक्टर था इसका, वो मैंने उतार के अपने शीशे पे चिपका दिया है. ये देखिए, ये वो डिस्प्ले प्रोटेक्टर है ARK वालों का जो मेरी गाड़ी पे लगा था. ये देखिए, इधर मैंने छोटा वाला चिपका दिया है. ये देखिए, ये छोटा वाला इधर चिपका दिया है, इधर बड़ा वाला चिपका दिया है. तो आइए सबसे पहले आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ. तो ये प्रोडक्ट दोबारा से आया है मेरे पास, ये प्रो शील्ड है, एंड इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं. यानी कि इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसके अंदर, जिससे आपको डस्ट को हटाना है. फिर इसके अंदर कोई लिक्विड दिया है, जिसे कि आपको डिस्प्ले पे स्प्रे करना है, जिससे कि एयर बबल ना बने. उसके बाद आपको इसके अंदर क्या क्या है, आइए चलिए अंदर खोल के देखते हैं. तो गाइस, सबसे पहले मुझे इसके अंदर मिल गया एक लिक्विड. उसके साथ साथ और देखते हैं क्या मिलता है उसके अंदर. यहाँ पे एक आया है ये टैग, जो कि शायद काम आता है उसके. एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ. और भी कुछ है इसके अंदर? नहीं गाइज, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर. और इसके अंदर है दो डिस्प्ले प्रोटेक्टर्स. अब ये मेरे पास आए हैं तो काफ़ी टेढ़े मेढ़े भी हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये टेढ़े मेढ़े क्यों हैं. तो हो सकता है कि टेढ़े मेढ़े रहते ही हों. तो आइए, अब जैसा कि इन्होंने कहा है, इनके यूज़र मैनुअल के हिसाब से, पहले तो वाइप ऑफ द डस्ट विद द माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड देन स्प्रे द लिक्विड ऑन डिस्प्ले एंड क्लीन यूजिंग माइक्रोफाइबर क्लॉथ. अच्छा, इंस्टॉलेशन लिक्विड ऑन डिस्प्ले एंड क्लीन यूजिंग माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ठीक है. उसके बाद देन फॉर परफेक्ट प्लेसमेंट विदाउट एयर बबल प्लीज स्प्रे ARK ऑन द डिस्प्ले, पील फर्स्ट लेयर एंड अबव द डिस्प्ले, अलाइन द प्रोटेक्टर एंड स्क्वीज आउट द लिक्विड यूजिंग प्रेशर कार्ड, ठीक है. देन पील ऑफ द सेकेंड लेयर एंड इज प्रोटेक्टेड विद दिस, ओके. तो गाइज, अब सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, जो कि इसके साथ हमें मिला है, इससे आप इसको क्लीन कर लीजिए. तो आइए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं. हालांकि डिस्प्ले में मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन से भी ये लगाया है मैंने, बिल्कुल ट्रबल फ्री रहा है ये डिस्प्ले, और इसने मुझे कोई तकलीफ अब तक नहीं दी है. तो अब इन्होंने पहला प्रोसेस मुझे ये बताया, फॉर परफेक्ट प्लेसमेंट ठीक है. तो ये है लिक्विड जो कि डिस्प्ले पे मुझे स्प्रे करना है. ये मैंने डिस्प्ले को लिक्विड पे स्प्रे करा, और अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ. तो आई गेस ये सिर्फ एक क्लीनिंग पर्पस से दिया है इन्होंने, सो दैट ये क्लीन हो जाए बहुत अच्छे से. तो लेट अस फर्स्ट क्लीन इट, और फिर इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर डिस्प्ले प्रोटेक्टर, और देखते हैं किस तरीके का ये फील देता है हमें. तो ये एक मैंने क्लीन कर लिया है, अब ये मैं इसमें दूसरा क्लीन कर रहा हूँ. आई मस्ट से गाइस, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है रहा है, क्योंकि इन्होंने स्क्रैचेस अभी तक मेरे डिस्प्ले पे ज़रूर बचाए हैं. तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड भी करता हूँ.
कोई भी स्क्रैचेस डिस्प्ले पे अभी तक मुझे देखने को इसमें नहीं मिले हैं, तो ये मैंने इसके ऊपर से सारे जो हैं स्क्रैचेस और ये साफ कर लिया है। फॉर परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टर एंड टू इंस्टॉल इट विदाउट एयर बबल प्लीज़ स्प्रे ARK ऑन डिस्प्ले। अच्छा ठीक है, यानी कि अब मुझे क्या करना है कि दोबारा से इसको डिस्प्ले के ऊपर लगाना है। तो यानी कि सबसे पहले दो गाइस ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से ये डिस्प्ले प्रोटेक्टर आ चुका है बाहर मेरे पास। और फॉर परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टर एंड टू इंस्टॉल इट विदाउट एयर बबल्स प्लीज स्प्रे लिक्विड ऑन द डिस्प्ले। तो अब हम एक बार दोबारा से इसके डिस्प्ले पे लिक्विड को स्प्रे कर देते हैं। तो इसको ज़रा अलग से पकड़ते हैं और इस लिक्विड को फिर से स्प्रे करते हैं, ठीक है। और अब मुझे इस पे इस डिस्प्ले प्रोटेक्टर को रखना है। सो आई गेस कुछ इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे इसमें, हाँ ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें इस बार मुझे एक भी प्रेशर बबल नहीं देखने को मिल रहा है। जो लास्ट टाइम मुझे देखने को मिल रहे थे बबल्स, जो एक आधे हैं, वो अभी इनका कहना है कि वो प्रेशर कार्ड से निकालने पड़ेंगे मुझे। तो नाउ लेट मी ट्राई इट विद द प्रेशर कार्ड कि क्या ये बबल्स निकलते हैं कि नहीं। तो गाइज यस, ये बबल्स निकल रहे हैं और ये लिक्विड इसमें से बाहर आ रहा है एंड ये बबल फ्री हो रहा है। यस इट वर्क्स। ये देखिए, यहाँ से मैंने इस तरीके से ये पूरा डिस्प्ले प्रोटेक्टर जो है मैं लगा रहा हूँ। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी गलती की है, जहाँ पे मैंने स्प्रे ज़्यादा डाल दिया है। थोड़ा सा स्प्रे को मैं सुखा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से, ओहो, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा स्प्रे को सुखा लेता हूँ यहाँ पे। ज़्यादा हो रखा है, हो सकता है मेरे से हो गया हो। तो इसके बाद अब बहुत कैटेगोरिकली मुझे इसको प्रेशर कार्ड का यूज़ करते हुए मुझे इस डिस्प्ले में से सारे बबल्स को निकालना है। देयर इट इज़, एंड डेफिनेटली बबल्स सारे निकल गए हैं। एंड आई कैन डेफिनेटली सी कि कोई भी बबल इसमें अब नहीं है। यस, कोई भी बबल इसमें अब नहीं है। डिस्प्ले क्लियर हो चुका है और अब यहाँ पे इसको साफ़ करने की बारी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है। अब पहले आइए दूसरा वाला भी लगा के देख लेते हैं कि दूसरे वाले में क्या है। तो ये नीचे गिर गए हैं महोदय। तो ये देखिए, तो अब इसमें भी अगेन वही सेम काम करना है। थोड़ा सा स्प्रे इसमें लगा देते हैं और फिर से इस चीज़ को इसी तरीके से हमको निकालना है। तो ये देखिए, यहाँ से ये प्रोटेक्टर भी आ गया बाहर और अब इसको भी इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखिए, सिमिलरली इस प्रेशर पे मैंने इसको भी लगा दिया है। भाई ये इसी प्रेशर कार्ड से ज़रा इसको भी खाली करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। तो ये देखिए इस तरीके से, ये भी इसमें से भी सारे बबल्स तो निकल गए हैं गाइस। बबल्स तो मुझे कहीं पे भी इसमें भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, डेफिनेटली कोई भी बबल इसमें अब मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इधर तो नहीं दिख रहा है और हाँ, अब इधर भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई भी बबल यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, अब ये देखिए, अब लग चुका है। अब ये देखिए, मैंने इसमें से पहली पील प्रोटेक्टर की जो है इसको पील ऑफ कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो कार्ड है इससे मुझे जो इसके अंदर छोटे मोटे बबल्स हैं इनको एक बार क्लियर करना है। और ये जो लिक्विड इसके अंदर है ये इसको ग्लू कर लेगा, यानी कि बहुत अच्छे से इसको टाइटन अप कर लेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो अच्छा दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा हैसल ज़रूर है कि इसको लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये प्रोडक्ट वर्थ इट दिख रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो मैंने लगा दिया है, अब एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ।
कर दो, इधर दिखा दो। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, पहला प्रोटेक्टर तो मेरा सही से लग चुका है। अब आइए दूसरे की बारी है, अब दूसरे वाले को पील ऑफ करते हैं, देखते हैं दूसरे वाले का क्या स्टेटस है। तो इसके लिए मुझे स्टिकर को दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा एंड देन आई विल हैव टू पील इट ऑफ। ओ ये श्रीमान जी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इनको पील करने के लिए थोड़ी सी मेहनत मुझे लगता है करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो एंटी, ये जो सेकंड लेयर है, इसको आपको मैन्युअली हाथ से ही निकालना पड़ेगा। स्टिकर्स के भरोसे मत रहिए, स्टिकर्स इतने बेनिफिशियली काम नहीं कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट वर्किंग द वे एज एक्सपेक्टेड। प्रोडक्ट अच्छा है, मोटा भी है, लेकिन देन थोड़ा सा हैसल है लगाना, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो ये देखिए फाइनली इसके ऊपर से ये कोटिंग जो है ये मेरी निकाल दी है, और अब सेम वही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, यानी कि प्रेशर कार्ड को यूज़ करते हुए मुझे एक बार इसको क्लियर करना है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारे मीटर में गार्ड्स इंस्टॉल हो चुके हैं और काफ़ी ठीक ठाक सा लुक दे रहे हैं। एक एवरेज प्राइसिंग प्रोडक्ट है, और अभी तो हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो अभी आपके सामने ही हमने इसीलिए इंस्टॉल किया क्योंकि हम देखना चाहते हैं इसकी प्रोडक्ट की क्या एफिशिएंसी है, किस तरीके का ये रहता है। तो आगे आपको इसका रिव्यू भी दूंगा, ये तो आज एक इंस्टॉलेशन वीडियो था जो मैंने इंस्टॉल करके देखा है, और इसके बाद आपको आगे बताऊँगा कि इसका क्या रिव्यू है और किस तरीके से ये हो जाएगा। तो देखते हैं, करते हैं इसके ऊपर पूरी बात आगे भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और बहुत जल्दी आपको इसका रिव्यू भी दूंगा कि क्या आपको ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।